नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम टेक्स में। दोस्तों, कल वाले वीडियो बायोलॉजी की वीडियो में हमने आपको इसी चैप्टर के बारे में बताया था, जीवों में जनन चैप्टर में। तो कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने बहुविकल्पी कंप्लीट कर दिए थे, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आई बटन में मैं लिंक दिए दे रहा हूँ, जाकर के वो वाला वीडियो जरूर जरूर देख लेना। बहुविकल्पी मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों यूपी बोर्ड 2019 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर देना। आज हम बात करेंगे अति लघुतरी प्रश्न की। ठीक है, जीवों में जनन चैप्टर का नाम है। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्न पर। तो दोस्तों, यहां से हम लोगों के अति लघु प्रश्न उत्तरार्थ हो जाते हैं। ये देखिए, एक नंबर से यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जितना आपका दिया गया बहुविकल्पी, ये अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अति लघु प्रश्न की। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जनन कितने प्रकार का होता है। क्या प्रश्न है हमारा? जनन कितने प्रकार का होता है। इसका सही आंसर है, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नंबर एक लैंगिक जनन, नंबर दो अलैंगिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बीजपत्री पादपों में रोपण द्वारा काय प्रवर्धन क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक बीजपत्री पादपों में एधा का अभाव होता है। ठीक है, तो यहां से आप उत्तर लिखना इसका स्टार्ट करेंगे। एक बीजपत्री पादपों में एधा का अभाव होता है, अतः उनमें रोपण द्वारा कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। तो इनमें कायिक प्रवर्धन नहीं हो पाता है, इसलिए पादपों में रोपण द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव नहीं होता है। दोस्तों, तो जिन पे आपका टिक नहीं लगा है क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करने। जिन पे पेंसिल से टिक लगा, केवल वही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये सब आप पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगेव में जनन पुष्प कलिकाओं से होता है, फिर भी इसे कायिक जनन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको यहां से लिखना है। अगेव में जनन पत्र प्राकलिकाओं द्वारा होता है, जो पुष्प कलिकाओं का रूपांतरण है, अतः अगेव में पुष्प कलिकाओं से जनन होने के बाद भी इसे कायिक जनन कहते हैं। यही इसका उत्तर है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे दो पादपों के नाम लिखिए जिनमें सतत दाब द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। सेब नाशपति में सतत दाब द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के पादप का प्रवर्धन किस प्रकार होता है। आलू के पादप का प्रवर्धन किस प्रकार होता है? होता है आलू, यहां से लिखना है उत्तर इसका। यहां से आलू के कंद की आंखों में उपस्थित कलिकाएं अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देती हैं, ये उसका उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि आलू का कंद एक भूमिगत भाग है, फिर भी यह तना माना जाता है, दो कारण बताइए। एक कारण हो गया इसमें पर्व एवं पर्व संधि होते हैं, दूसरा कारण इसका पर्व संधि में पर्णिल प्ररोह का विकास होता है, ये इसका दूसरा कारण है। तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल वेरी इंपॉर्टेंट पे टिक लगे हैं, अन्यथा किसी और प्रश्न पे टिक नहीं लगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। इस विधि में पादपों का प्रवर्धन कोशिकाओं, उत्तकों व अंगों के संवर्धन के माध्यम में प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये इसका उत्तर आपको यहां तक की लिखना है। दोस्तों, ये सब आप पीडीएफ के रूप में हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न सांतति लैंगिक जनन द्वारा निर्मित सांतति के किस प्रकार भिन्न होती है। इसका उत्तर आपको यहां से लिखना है, अलैंगिक जनन से बनी सांतति अपने जनक के समान होती है, परंतु लैंगिक जनन से उत्पन्न सांतति जनक माता व पिता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, अतः अलैंगिक जनन में विविधता मिलती है। इसके उत्तर यहां तक लिखने, नीचे वाले टिक नहीं लगा तो टिक वाले बिना याद नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसके आगे नहीं है, अगर आप इनके और इसके बाद वाले अति लघु चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए। अति लघु मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, अति लघु ये जितने मैंने आपको बताए हैं, ये वाले आप डाउनलोड करने के लिए इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुविकल्पी अगर आप नहीं देखे बहुविकल्पी वाला वीडियो तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो बायोलॉजी वाले, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। दोस्तों, अति लघु इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, पिछले वीडियो में बहुविकल्पी कंप्लीट हो गए थे, आने वाले वीडियो में आपके लघुतरी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों।
तो चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर तो जरूर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना और वीडियो तो लाइक जरूर जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड 2019 की इंपॉर्टेंट इसी तरह अपलोड होते रहते हैं। तब तक लिए दोस्तों कीप सपोर्टिंग ओम टिक्स, और ये इंपॉर्टेंट है क्लास 12th यूपी बोर्ड 2019 के लिए। तब तक लिए दोस्तों इसी तरह बने रहे हमारे चैनल पे, वीडियो देखते रहे सारे, और सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।